हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मुदत एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जैसे कि ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से न्यू एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, क्योंकि न्यू कफाला पॉलिसी आया है, उसके लिए अगर आपको छुट्टी जाना है या कंपनी चेंज करना है तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ब्राउज़र में जाना है, या आप किसी भी ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको सर्च करना है मुदत, MUDAD। ओके, इसको सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए, सबसे ऊपर में अरबी में ऑप्शन आ रहा है मुदत, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए ओपन हो गया। अगर आपको ये अरबी लैंग्वेज आ रहा है तो यहाँ देखिए गोरे से सर्किल, इस पर क्लिक करके आप इंग्लिश कर सकते हैं, या इंग्लिश आ रहा था अरबी करना चाहते हैं तो अरबी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इंग्लिश रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। उससे पहले अगर पहले से आप अकाउंट बनाए हुए तो लॉगिन पर डायरेक्ट अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो ये चलिए स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए कंप्लेंट सिस्टम है, तो इस पर आपको साइनअप पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए नीचे साइनअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी इकामा नंबर है वो डालकर आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना इकामा नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। देखिए मैं इकामा नंबर डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड जो अफसर का नंबर है, उस नंबर पर 4 डिजिट का OTP कोड आएगा, वो OTP कोड यहाँ डाल देना है। जैसे देखिए OTP कोड आ गया 5435, तो मैं वो OTP कोड यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, 5436। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। अभी क्या देखिए कुछ इस तरह से पेज ओपन हो गया। यहाँ आपको मोबाइल अपना पहले नेम लिखना है जो इकामा में है, फुल नेम सेम लिखना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड में 8 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद स्मॉल लेटर, कुछ नंबर भी डालना, और स्पेशल कैरेक्टर डालना है जैसे कि @ या प्लस माइनस। उसके बाद उसी पासवर्ड को कन्फर्म करना है दोबारा। उसके बाद ई मेल आई डी डालना, उस ई मेल आई डी को दोबारा रिपीट करना है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर वो डाल देना है। उसके बाद साइनअप पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना जैसे देखिए मैं ये पूरा फिल कर दिया हूँ। मोबाइल नंबर आपको 0 नहीं डालना है, 56 स्टार्ट करना है। उसके बाद साइनअप पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ देखिए इस पर फिर से 4 डिजिट का OTP कोड आएगा, वो यहाँ डाल देना है। जैसे देखिए OTP कोड आ गया है 8286, मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से वेरीफाई पर क्लिक करना है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये देखिए ऊपर में शो करने लगा, ये मेरा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी आपको लॉगिन करने के लिए फिर से आपको इकामा नंबर डालना और पासवर्ड जो अभी बनाया था वो पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। तो चलिए मैं अपना इकामा नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देता हूँ। ये देखिए मैं इकामा नंबर पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर दिया। उसके बाद फिर से आपके मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का OTP कोड आएगा, वो यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ये देखिए OTP कोड आ गया है, मैं इस OTP कोड को यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, वेरीफाई पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये देखिए आपका जो भी नेम होगा इकामा नंबर यहाँ शो करेगा, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं या आपके कफील के पास कितने आदमी हैं, पूरा डिटेल शो करेगा। आप अगर कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से आपको करना पड़ेगा, या क्रूज लगाना चाहते हैं तो। अगर ऊपर देखिए 3 लाइन है, उस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा यहाँ डिटेल आपका शो कर रहा है। उसके बाद 3 लाइन है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्रोफाइल अपडेट भी कर सकते हैं, और ये तो इसी पे क्लिक करके आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। चलिए मैं लॉग आउट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से लॉग आउट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए लॉग आउट हो गया। आपको फिर से कभी भी एप्लीकेशन ओपन करना है तो इसी तरह से आपको इकामा नंबर डालना और पासवर्ड डालना, डालकर लॉगिन कर देना। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले।